एडमिशन का माहौल चल रहा है, काउंसलिंग का ये पूरा दौर आने वाले 2 महीनों तक चलने वाला है। कल आपको एक वीडियो दिया गया था जिसमें बताया गया DU का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा, CUT PG एग्जाम देना ही काफी नहीं है। CUT PG एग्जाम देने के बाद आप जिस विश्वविद्यालय में भी एडमिशन लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल टाइम टू टाइम ओपन होता है, सबका एक साथ ओपन नहीं होता है। कल मैं आपको बताया था DU यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट करने जा रहा है। कब से? 25 अप्रैल से, यानी आने वाले 3 से 4 दिनों में आप DU के पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अब बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन होना भी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखो। स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप देख रहे हो CUT पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस पूरे वीडियो में अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो यू कैन कॉमेंट्स, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टा नीट दर्शन। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक CUT हेल्प डेस्क के टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन करिएगा। कारण ये है कि हर बच्चा अगर एक ही जगह रहेगा तो कोई नोटिफिकेशन या कुछ लिस्ट होती है, टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हो गई, कट ऑफ की लिस्ट हो गई, तो मैं वहां पर डायरेक्टली आपको दे दूंगा, ना कि कम्युनिटी में शेयर करूंगा। तो एक डायरेक्टली आप मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाओगे। आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, DU यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस फॉलो होने वाला है वो कैसे फॉलो अप होगा। सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग, आपको अभी से कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या सर्टिफिकेट हैं वो किस मोड में आपको अवेलेबल होना चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, क्योंकि आपको प्रेफरेंस लगाना है। आपको जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको इसमें कॉलेजेस के प्रेफरेंस भरने होते हैं, मतलब आपको लगाना होगा कि हाँ मुझे ये पहले नंबर पे चाहिए, फिर ये दूसरे पे, तीसरे पे, तो ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या वो टॉप 20 कॉलेजेस कौन से हैं। मैं आपको यही बताऊंगा कि टोटल कितने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट है हॉस्टल्स एंड फी, ये वीडियो प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम है और ये न्यूली अपडेटेड है, यानी कि लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग है, उसके रेफरेंस पे है, ठीक है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है एडमिशन प्रोसेस। आपके पास रिजल्ट आ चुका है तो जो स्कोर कार्ड है वो अति महत्वपूर्ण है। स्कोर कार्ड अपने जेब में रख लो, यानी अपने गैलरी में रख लो, क्योंकि अभी आपका जो पूरा फाइल बनने वाली है एजुकेशनल फाइल, ये सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार अपना बना लोगे तो हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, CUT रिजल्ट, यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड, ठीक है। स्कोर कार्ड जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, तो स्कोर कार्ड आप लोग डाउनलोड करके रख लो, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। अब DU अपना जो 25 को स्टार्ट करने वाला है, इसका एक खास स्पेशल पोर्टल होता है, उसका नाम होता है CSES। इस पे ये लोग आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल को स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपको लॉग इन पासवर्ड करके पूरा आपको क्या है रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा क्या क्या है लगेगा। यहाँ पे ये जो पोर्टल है 30 से 45 दिन 30 to 45 days के लिए ओपन होगा, अभी कोई एंड डेट नहीं आया है, ये बढ़ता घटता भी रहता है, मान के चलो 1 महीने का समय आपको मिलेगा 25 तारीख से। और इसकी जो फीस रखी जाती है वो जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, ठीक है, होपफुली 250 से 300 ही रखा जाता है, और ₹100 आपके पास SC और ST के लिए, और दिस इज नॉट योर कोर्स फी, ध्यान देना ये रजिस्ट्रेशन फी है, नॉन रिफंडेबल होता है, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हर यूनिवर्सिटी लगभग लेती है, कोई कोई तो ₹1000 भी लेती है। उसके बाद ये लोग जो आपका पूरा डेटा ले लेंगे तो ये लोग मेरिट बनाएंगे, यानी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को लाइन अप करेंगे, और इसके बाद सीट के अकॉर्डिंग कट ऑफ रिलीज करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, कम से कम 10 राउंड कट ऑफ आएगा इनका। तो थर्ड में क्या आता है, कट ऑफ एंड राउंड्स आने लगेंगे, जो कि लगभग 10 से 20 दिन, यहाँ पे 20 डेज लिख देना, 10 दिन नहीं चलेगा। हाँ, ये मैंने बताया है कि पूरे रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी जब 45 दिन हो जाएगा तो उसके 10 दिन बाद ये लोग कट ऑफ रिलीज करेंगे, और ये कट ऑफ रिलीज का जो पूरा प्रोसेस है 1 महीना भी चल सकता है, 20 दिन से 1 महीना, मतलब 20 to 30, ठीक है, इतना चलेगा। फोर्थ क्या है, पेमेंट। जब आप इस कट ऑफ में आ जाते हो, आप अपना देखते हो कि हम इस मार्क्स में आ रहे हैं, देन यू कैन पेमेंट उनके पोर्टल पर जाके। ये सब ऑनलाइन होगा, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन इसमें कोई जरूरत नहीं है, फिर आप इनका पेमेंट करोगे, ठीक है। पेमेंट भी ध्यान देना कि पेमेंट के बाद यहाँ पे एक अपग्रेड का भी ऑप्शन होता है, यानी कि आपको अगर सही कॉलेज मिल गया है, संतुष्ट हो, तब तो आप लॉक कर दिए,
उसके बाद इनका एक फॉर्म मिल जाता है, रिसीविंग एडमिट कार्ड जो भी बोल लो आप उसको, वो मिल जाता है, कॉल लेटर वगैरह जो भी बोल लो मिल जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार अभी तो मुझे तीसरा प्रेफरेंस मिला है, ऊपर तक जाना है मुझे, तो इसके लिए आप अपग्रेड कर दोगे। ठीक है, ये प्रोसेस भी वहां ऑटोमेटिकली होता है। और ये पूरे एडमिशन के बाद यहाँ पे एक स्पेशल आता है वैकेंसी, मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड होता है सीटों को मॉपअप करने के लिए, यानी जो वैकेंट सीटें रह गई हैं पूरे एडमिशन के दरमियान, ये सीटें लोग मॉपअप राउंड में फिर से एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट करते हैं, यानी फिर से वो बोलेंगे आप रजिस्ट्रेशन करो एज ए मॉपअप राउंड के लिए, और वहां पे फिर से राउंड चलाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि मॉपअप राउंड इसी में चलाते रहेंगे, कभी कभी स्पेशल फॉर्म फिलअप करा के करते हैं। ये जब काउंसलिंग होने लगेगा तो बीच में पता चलेगा कि एक्चुअली ये लोग क्या अपडेट करने वाले हैं, तो ये मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ड्यू काउंसलिंग के लिए, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसमें सबसे पहला आपके पास होना चाहिए स्कैंड फोटो। ध्यान देना है पूरे डॉक्यूमेंट स्कैंड होने चाहिए। स्कैन मतलब क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी में, या तो आप स्कैन कर लो या मोबाइल से फोटो खींच के अपने पास रख लो। लेंस साफ कर लेना, फ्लैश लाइट ऑफ करके अलग से लाइट देके करोगे तो कोई भी नाम नंबर उसमें इनविजिबल नहीं होगा, सब विजिबल होगा, प्रॉपर दिखेगा। 10th और 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी होता है आपके पास होना चाहिए, और होगा ही 10वीं 12वीं क्योंकि आप यूजी कर रहे हो। यूजी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का जो भी आपके पास डिग्री मार्कशीट है, लेकिन जो कंप्लीट किया है उसी के पास होगा। जो अपीयरिंग हुआ वो क्या करेंगे, तो वो अपना फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर का लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर का। यहाँ पे कुछ डाउट होगा, कुछ वीडियोस पे बोला गया होगा कि 5 सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का। एक्चुअली होता क्या है ना, इसका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर होगा तो जो इनका नया बुलेटिन आएगा वहां अच्छे से मेंशन होगा कि आप 5वें तक का अपलोड करो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं वो 5th सेमेस्टर करा चुकी हैं फिर भी उनका जो फाइनल ग्रेड कार्ड है 5वें का अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज आपको 4थे तक बोलेगी कि आप अपलोड कर दो, कोई एडमिशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। BHU ऐसा ही करता है, या सेकेंड ईयर तक आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट या स्पेशल रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आप समझ लो, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आपको EWS का फायदा उठाना है तो आप अभी बनवा लो, EWS 15-20 दिन में बन जाएगा, वो अपलोड कर देना, उसका फायदा मिल जाएगा। OBC ST SC मिल जाएगा, PH दिव्यांग हो उसका फायदा मिल जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा उसका फायदा मिल जाएगा, NCC NSS उसका फायदा मिल जाएगा। मतलब आपके पास, आप माइनॉरिटी में आते हो उसका फायदा मिल जाएगा, कश्मीरी माइग्रेंट हो उसका फायदा मिल जाएगा, आर्मी ऑफिसर्स फैमिली से आते हो उसका कोटा मिल जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा मिल जाएगा। मतलब इस स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में मैं आपसे पूरे रिजर्व सर्टिफिकेट की बात कर लिया, जो कि एक तरह से आपको सुपर न्यूमेरिक वैल्यूज एज अ मेरिट प्रोवाइड कराता है। तो मैं चाहूंगा कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोला सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हो तब, ठीक है। और ये सब स्कैंड भी चल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा जैसे, आप जरूरी नहीं है कि आप नेशनल खेलो हो, आप उसको जाके ले आ रहे हो, अगर आपके पास वो ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, तो आप अपलोड करके काम चला सकते हो फिलहाल के लिए। आधार कार्ड या कोई अदर गवर्नमेंट वैलिड आधार वहां पे नंबर आपको चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग अक्सर इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैं इस पर विशेष ध्यान देता हूँ। स्टूडेंट बैंक्स डिटेल, यहाँ पे एक बात और है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे शायद उनका अभी पर्सनल मोबाइल नंबर ना हो। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज आप लोग के पास, ठीक है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पर्सनल मोबाइल होना चाहिए, BILD, ठीक है, पर्सनल मोबाइल होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हो रहा है, आपका पूरा काम साफ सुथरा हो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो। साइबर वाले का नंबर डाल दोगे, उसका ईमेल ID डाल दोगे तो पता चला उसको मैसेज जा रहा है, कभी कभी बैंक डिटेल अपने गार्जियन का दे देते हो, साइबर वाला खुद ही अपना दे देता है, पैसा गया वापस हुआ नहीं हुआ, तमाम प्रॉब्लम्स आता है। मैं चाहता हूं कि आप अपना पर्सनल नंबर लो आज की डेट में जिसके पास नहीं है, और वो अपना खुद के उस नंबर से बैंक डिटेल, क्योंकि नंबर लिंक्ड होता है आजकल, जाके किसी अच्छे बैंक में, HDFC SBI जो भी ICI, ठीक है, जो भी बैंक आपके पास अवेलेबल हो वो बैंक आप जाके अपना अकाउंट खुलवा लो, SBI बेस्ट रहता है। क्योंकि ये बैंक पासबुक, ठीक है, बैंक डिटेल यानी पासबुक अगर आपके नाम से रहता है तो थोड़ा भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है मनी ट्रांसफर में। प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाता है जब अलग अलग नेम वहां पे शो होते हैं, और एक बार आपका ये बन जाएगा तो आगे चल के यूनिवर्सिटी लेवल पे कई सारे स्कॉलरशिप होते हैं, वो भी भरने में आपको सहूलियत रहेगी। और बैंक पासबुक एक तरह से एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID भी हो जाता है, उसको कई जगह पर आप यूज भी कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि मोबाइल नंबर खुद का ले और जाके अपना अकाउंट खुलवा लें आप, ठीक है।
ये सब पहले से कर लो, अभी समय है, फॉर्म आते ही फिलअप मत करने लगना। अब हम लोग टॉप टू लो यानी टॉप रैंक में भी टॉप टू लो वो कॉलेजेस जानेंगे जो आपको प्रिफरेंस में फिलअप करना है ऑन द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, ये जो भी कॉलेजेस हैं इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लगभग यहाँ पे देखो 80+ कॉलेजेस हैं पहली बात। लेकिन जरूरी नहीं है कि 80+ कॉलेजेस में ही पूरे कोर्सेज अवेलेबल हो, हर एक कॉलेज में हर कोर्स अवेलेबल नहीं है, किसी में 10 कोर्सेज है, किसी में 5 ही है, किसी में 4 ही है, और हर कॉलेज अपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए जाना चाहता है। कोई इकोनॉमिक्स कौन सा है, अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए कोई जाना चाह रहा है, कोई हिस्ट्री के लिए जाना चाह रहा है, कोई केमिस्ट्री के लिए जाना चाह रहा है। तो आप ध्यान दो कि बेसिकली ये कॉलेजेस हर सब्जेक्ट के लिए अपने आप में टॉप में हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और गैलरी में सेव कर लो। बेसिकली ये कॉलेजेस हर कोई टॉप पे डालेगा, इसके बाद जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, लाइक आपका एरिया कैसा है, जो चीजें भी फॉलो अप होती हैं उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, मैं नाम ले लेता हूं एक बार, मिरिंडा हाउस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, करोड़ीमल, सेंट स्टेफन कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स नाम है, कॉमर्स के लिए फेमस भी है। ठीक है, रामजस, वेंकटेश्वर कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर, हंसराज, गुरु तेग बहादुर कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए फेमस है, जाकिर हुसैन कॉलेज। ये बेसिकली कॉलेजेस वो हैं जो आपको टॉप में प्रायोरिटी में डालना है और इन्हीं का कटा सबसे हाईएस्ट आता है। तो मैं चाहूंगा कि जो टॉप बच्चे भी हैं उनको बेसिकली ये टॉप कॉलेजेस मिल जाए, जिससे बाकी लो मार्क्स वाले बच्चों को और कॉलेजेस मिलता जाए। आप बच्चा जब एक साइड सेटल होता जाएगा तो बाकी BHU और भी जो कॉलेजेस हैं उसमें बच्चों को थोड़ा सहूलियत मिलेगा, थोड़ा उनको वहां पे एडमिशन लेने में भी फायदा होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा एडमिशन का। अब हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हॉस्टल्स एंड फी। ठीक है, हॉस्टल्स एंड फी, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे फी डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए बेसिकली कि DU में पढ़ने जा रहे हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होगा, मे भी माइंड में चल रहा होगा कि आप DU में बड़े सस्ते में पढ़ लोगे। देखो भाई, डेली शहर और डेली कॉलेज में अंतर होता है। ठीक है, ये जो डेली सिटी है, स्टेट है जो पूरा, इसमें और ये DU में अंतर है। ठीक है, दोनों चीज में कॉमन ये है कि दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन यही अगर DU में हम लोग यानी डेली सिटी में JNU की बात करें तो यहां हॉस्टल अकोमोडेशन 100% विथ स्कॉलरशिप एंड पॉकेट मनी, यानी यहां आप यूं मान के चलो कि 0 रुपए में आप पढ़ सकते हो, ऊपर से आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन डेली यूनिवर्सिटी में आप एवरेज अगर पर कोर्स का भी अगर खर्चा आप देखोगे तो बस फी आपके पास कम से कम 20 से 30 हजार रुपए साल का लेके चल रहा, कम से कम 20 हजार रुपए, बाकी कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रैक्टिकल कोर्स है तो 30-40 पहुंच जाएगा, बाकी नॉन प्रैक्टिकल कोर्सेज है तो भी आपके पास 10 से 15 हजार रुपए एनुअल फी होना चाहिए। ठीक है, ये मैं उसे एवरेज बता रहा हूं आपको। उसके बाद रहने के लिए 10K विद शेयरिंग रूम के लिए खाने पीने का लेके आपके पास 10 हजार रुपए खर्चा आएगा। अगर बहुत कोई इसको कम कर देगा तो भी 8K के नीचे नहीं जाएगा, यानी 8,000 रुपए आपको अरेंज करना पड़ेगा डेली में रहने के लिए, आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तब। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, सर हॉस्टल किसको मिलता है, कैसे मिलता है? आफ्टर एडमिशन, जब ये पूरा एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, ठीक है, आफ्टर एडमिशन, जब ये पूरा एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद ये लोग हॉस्टल का प्रोसेस ये स्टार्ट करते हैं। और ये कॉलेजेस के ऊपर होता है, ये कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, कॉलेजेस वाइज ये हॉस्टल अवेलेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग सीट भी आती है, उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट भी आती है। ये रिजर्वेशन को फॉलो अप करता है, यानी 7% ST के लिए, 14% SC के लिए, फिर आपके पास OBC के लिए, EWS के लिए फॉलो होता है पूरा प्रॉपर। 10% EWS के लिए मान लो 100 सीट है तो इस तरीके से फॉलो होगा कि इतने इतने परसेंट बच्चों को सीट जानी चाहिए। लेकिन ये किसी कॉलेज में सीट ज्यादा है, किसी कम है, किसी में नहीं भी है। ठीक है, तो ऑन कैंपस हॉस्टल्स जिनको नहीं, जिनको मिल गया तो अच्छी बात है, वो भी बहुत सस्ता नहीं है, मिल गया तो अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला वो इतना रुपए पे करके, अच्छी बात ये है कि हर कॉलेज के आसपास हेल्दी इन्वायरमेंट विथ हॉस्टल, PG, गेस्ट हाउस अवेलेबल है। यानी कि बहुत सारे बच्चों का जो मेरा फोन कॉलिंग के थ्रू रिव्यू आया है वो यही है कि सर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन कॉलेज वाइज एक्सपेंशन घटता बढ़ता रहता है। कोई कॉलेज बहुत ही ज्यादा
सिटी एरिया में है तो वहां बहुत महंगा है, बाकी कहीं कहीं पे ये 6 से 8 हजार में भी हो जाता है, कहीं कहीं पे 10 से 12 हजार में पहुंच जाता है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलना है कि यहाँ बच्चा एडमिशन लेने के बाद महीने का 10 हजार खर्चा करेगा ही करेगा, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर है। एक बात और है कि जो हॉस्टल कॉलेज वाले देते हैं ये लगभग आफ्टर 100 किमी देते हैं, ठीक है, यानी 100 किलोमीटर के बाद देते हैं। जो इसकी मेरिट बनती है वो डिस्टेंस और आपके स्कोर मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जो भी कॉलेजेस के हॉस्टल डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो भी मेरिट को फॉलो करेगा, ठीक है, मेरिट को फॉलो करेगा, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बिना मेरिट के फॉलो के हॉस्टल फ्री में लुटा दिए जाए। तो ये ओवरऑल डिस्कशन आज हम लोगों ने डी यू एडमिशन प्रोसेस और हम लोगों ने काउंसिलिंग डॉक्यूमेंट्स, टॉप कॉलेजेस एंड हॉस्टल फी पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग का फाइनल जेएनयू कट ऑफ आने वाला है और एचयू कट ऑफ आने वाला है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये प्रोसेस हम लोगों ने डी यू पे देखा है, बीएचयू एंड जेएनयू पे भी आने वाला है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, और मुस्कुराना बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है और कोशिश करना है कि गर्मी का मौसम है तो दिन भर में टाइम टू टाइम आप पानी पीते रहिएगा, और आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप टाइम टू टाइम पानी पूछते रहिएगा और उनके पास ले जाके उनको पानी दे के पिलाते रहिएगा। तो ये शुभ काम आपको जरूर करना है और मुस्कुराते रहना है। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।